फाइनली Xiaomi ने अनवील कर दिया है Xiaomi का Mi 10 टी 10T Pro और 10T Lite, मतलब टोटल तीन नया फ़ोन लॉन्च हुआ है और बहुत ही अमेजिंग प्राइसिंग के साथ में आता है। डेफिनेटली ये फ़ोन इंडिया में आने वाला है और मनोजन ने भी कंफर्म कर दिया है जो Xiaomi इंडिया के हेड है। तो वीडियो में बने रहना, आज की वीडियो में तीनों फ़ोन का फुल स्पेसिफिकेशन प्राइसिंग के साथ में बात करने वाले हैं कि कितने प्राइसिंग में आपको ये इंडिया में आने वाला है और क्या भला बाहर के कंट्री में आपको ये देखने को मिल गया। तो वीडियो में बने रहना, आज की वीडियो में तीनों फ़ोन का फुल स्पेसिफिकेशन प्राइसिंग और इंडिया में कब तक आ सकता है। तो चलो फिर शुरू करें। तो फाइनली कल Xiaomi का तीन नया फोन लॉन्च हो चुका है। बात करते हैं कुछ बेसिक स्पेक्स के ऊपर कि Mi 10T और 10T Pro में आपको क्या देखने को मिलता है, क्योंकि ये दोनों फोन सिमिलर है बहुत ही ज्यादा, मतलब स्पेसिफिकेशन के नाम पे बस कैमरा में चेंजेस किया गया है और कुछ भी नहीं है। तो बात करते हैं कुछ बेसिक स्पेक्स के ऊपर। तो 6.67 का आपको मैसिव डिस्प्ले देखने को मिलता है जो IPS डिस्प्ले के साथ में आता है। पता नहीं क्यों लेकिन फ्लैगशिप फोन में IPS डिस्प्ले Xiaomi इसमें यूज किया है, ऑफकोर्स प्राइस कटिंग के लिए। तो IPS डिस्प्ले है दोनों फोन में, मतलब दोनों फोन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर साइड माउंटेड देखने को मिल जाता है। बात करते हैं सेल्फी कैमरा के ऊपर। दोनों फोन में आपको पंच होल के साथ में 20MP का सेल्फी कैमरा यूज किया गया है जो बहुत ही अच्छा सेल्फीज क्लिक कर देगा। दोनों फोन में आपको देखने मिलता है 144Hz का रिफ्रेश रेट जो आपके डिस्प्ले को अल्ट्रा स्मूथ बना देता है, मतलब IPS है इसलिए 144Hz मिला, अगर AMOLED होता तो 60 ही मिलता, क्यों सही बोला ना। तो बात करते हैं बैटरी के ऊपर। तो दोनों फोन में आपको देखने में मिलता है 5000mAh का बैटरी और बॉक्स में 33W का चार्जर दिया गया है, लेकिन दोनों फोन सपोर्ट करता है 65W का फास्ट चार्जिंग जो बहुत ही अच्छी बात है, और चार्जर बहुत ही जल्दी 65W का एक नया चार्जर Xiaomi की तरफ से आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं Mi 10T के कैमरा के ऊपर जिसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। ट्रिपल कैमरा मिल जाता है जिसमें प्राइमरी कैमरा 64MP का है, सेकेंडरी कैमरा 13MP का है, थर्ड कैमरा 5MP का निकल के आया है। लेकिन अब बात करते हैं Mi 10T Pro के कैमरा के ऊपर। तो इसमें जो कैमरा यूज़ किया गया है वो नेक्स्ट लेवल का है, मतलब 108MP का प्राइमरी लेंस देखने को मिलता है जो बहुत ही अमेजिंग और हाई रेजोल्यूशन का पिक्चर्स क्लिक कर देगा। तो Mi 10T Pro में आपको 108MP का प्राइमरी लेंस देता है जो ट्रिपल कैमरा के साथ में आता है, सेकेंडरी कैमरा 13MP का है और लास्ट कैमरा 5MP का है। तो दोनों फोन में आपको जो मिलता है UFS 3.1 का स्टोरेज जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और आपको रीड एंड राइट स्पीड बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिला देगा। बात करते हैं रैम टाइप के ऊपर। तो दोनों फोन में आपको मिल जाता है LPDDR5 वाला रैम जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा फास्ट भी है, मतलब आपका प्रोसेसिंग बहुत ही ज़्यादा फास्ट करवा देगा। तो कुछ इस तरह का Mi 10T और Mi 10T Pro निकल के आया है। दोनों फोन में आपको सेम प्रोसेसर मिलता है, मतलब स्नैपड्रैगन का 865 मिल जाता है। तो 865 प्लस किसी में भी यूज नहीं किया है, 865 भी आपको देखने मिलता है नॉर्मल 10T में और 10T Pro में, दोनों में सेम मिल जाता है। तो कुछ इस तरह का दोनों फोन निकल के आया। बात करते हैं दोनों फोन के बेस प्राइसिंग के ऊपर। तो 43,000 में आपको लॉन्च किया गया है Mi 10T यूरोप के अंदर, और बात करते हैं Mi 10T Pro के बारे में तो 51,000 में आपको ये बाहर के कंट्री में देखने को मिला। तो डेफिनेटली इंडिया में आपको 5 से 6 हज़ार रुपए कम में देखने को मिलेगा, क्योंकि यूरोप के प्राइसिंग और इंडिया के प्राइसिंग में 5 से 6 हज़ार का फर्क होता है। तो डेफिनेटली आपको उतने से कम ही में देखने को मिलेगा। अभी जितना प्राइसिंग मैंने बताया उस पे तो इंडिया में लॉन्च नहीं होगा, 5 से 6 हज़ार कम ही में लॉन्च होगा। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग फोन के ऊपर जो है Xiaomi का Mi 10T Lite जो बहुत ही कमाल का और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फोन निकल के आ गया है। तो अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग फोन के बारे में जो मेरे को पर्सनली लगा है Mi 10T का लाइटर एडिशन, मतलब Mi 10T Lite जो बहुत ही कमाल का फोन है। तो इसमें भी आपको सेम डिस्प्ले देखने को मिलता है 6.67 का IPS डिस्प्ले जो आपको कुछ इस तरह का निकल के आया है, लेकिन इसमें जो पंच होल यूज किया गया है वो सेंटर डॉट पंच होल है, और ये फोन टोटली इंस्पायर है पोको के X3 के साथ में, आगे आपको पता चल जाएगा। बात करते हैं कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स के ऊपर। तो इसमें आपको देखने को मिलता है क्वाड कैमरा का सेटअप जिसमें प्राइमरी कैमरा 64MP का निकल के है, सेकेंडरी कैमरा 8MP का है, थर्ड कैमरा 2MP का है और लास्ट कैमरा 2MP का निकल के आ गया है। तो Mi 10T Lite में आपको देखने मिलता है 120Hz का रिफ्रेश रेट जो बहुत ही कमाल की बात है, मतलब इस प्राइसिंग में भी आपको अच्छा रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है जो आपके डिस्प्ले को स्मूथ नहीं बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बना देगा और क्या। तो बात करते हैं बैटरी बैकअप के ऊपर। 4820mAh का आपको इसमें बैटरी देखने को मिल जाता है और फास्ट चार्जिंग भी ये फ़ोन सपोर्ट करता है, लेकिन इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है ना वो बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट है, मतलब स्नैपड्रैगन का 750G देखने को मिलता है जो सबसे पहला फ़ोन है जिसमें ये प्रोसेसर यूज़ किया गया है जो एक 5G रेडी प्रोसेसर है। तो डेफिनेटली ये फ़ोन जब इंडिया में आएगा तो ये OnePlus के Nord के साथ में कम्पीट करेगा जो बहुत ही कमाल का फ़ोन है। तो यूरोप के अंदर ये 24,000 में लॉन्च हुआ है और इंडिया में सोच लो ये कितने प्राइसिंग में आएगा। तो डेफिनेटली ये
ये फोन आपको 20,000 के अराउंड इंडिया में देखने को मिल जाएगा, हो सकता है उससे कम में भी आ जाए। तो बहुत ही एग्रेसिव प्राइसिंग में सभी फोन्स लॉन्च हुआ है यूरोप के अंदर और कुछ इस तरह के स्पेसिफिकेशन लेके आया है। तो इन तीनों फोन में से आपका कौन सा फेवरेट फोन बन चुका है कमेंट करके जरूर बताना। और मनु कुमार जी ने भी ट्वीट किया है, क्या आप इंटरेस्टेड हो Mi 10T सीरीज में? तो आप ट्वीट कर सकते हो, तो आप भी जाके ट्वीट कर दो यार, बहुत ही जल्दी आपको Mi 10T सीरीज इंडिया में देखने को मिल जाएगा। और ये फोन ना इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन में भी लिस्ट हुआ है, तो डेफिनेटली मी का 10T सीरीज इंडिया में आने वाला है। टी सीरीज तो वन प्लस का था ना, तो Xiaomi कैसे चलता है कॉपी करना और क्या। तो Xiaomi का Mi 10T, 10T Pro और 10T का लाइटर एडिशन भी आने वाला है, 10T Lite। जहां तक मुझे लगता है Xiaomi का Mi 10T Pro इंडिया में लॉन्च नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी Xiaomi का Mi 10 इंडिया में है 40,000 से 50,000 के प्राइस रेंज में। तो अगर उसे लॉन्च कर देगा Mi 10T Pro को, तो Mi 10 इंडिया में बिकेगा नहीं। तो जिस तरह का टोटल मुझे लगता है इंडिया में दो फोन लॉन्च होगा, Mi 10T और Mi 10T Lite। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई भी सवाल से सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करना, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई प्लीज़, बहुत ही मेहनत लगता है, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी टन से क्लिक कर देना, ताकि ऐसे कमाल के वीडियोज़ का आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो ठीक है व्यूअर्स, मिलते हैं, मिलकर चिल करते हैं अपने ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।